श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गणेश जी की प्रियता है दुर्वा। क्या प्रियता है? दुर्वा। कितनी दुर्वा गणेश जी को समर्पित करी जाती है? मात्र 5। कितनी? आज के जमाने में लोग गट्ठा बनाकर चढ़ा दें वो अपनी जगह पर। 5 दुर्वा पंचम इंद्रियों को वश में करने के लिए और भगवान के 5 जो स्वरूप हैं उनको अपने भीतर उतारने के लिए पंच दुर्वा। और दुर्वा में भी 3 गांठ। जब दुर्वा समर्पित करी जाती है तो उसमें नीचे दुर्वा की डंडी पर गांठ रहती है। 3 छोटी छोटी गांठें होना चाहिए। कितनी गांठ? जो भगवान को समर्पित करी जाए। जिस लड़के और लड़की का विवाह नहीं होता, आदिनाथ आदेश आदिश। और बहुत सावधानी रखिएगा, एक प्रसंग अपने जो माताओं से निवेदन करेंगे। अगर आप कोई दुकान प्रारंभ कर रहे हो, कोई मकान प्रारंभ कर रहे हो, आप कोई कार्य प्रारंभ कर रहे हो, आप कोई चीज की उत्पत्ति कर रहे हो, कोई चीज बना रहे हो, कोई बनाने का मन कर रहा है और वो काम तुम्हारा उसमें अड़चने बहुत आ रही है, एक बेलपत्र लो, एक बेलपत्र, एक यज्ञोपवीत लो, एक सफेद पुष्प लो, हाथ की हथेली में रखकर जिस भूमि को बनाना है, जिस मकान को बनाना है, जिस दुकान को प्रारंभ कर रहे हो, जिस मकान को प्रारंभ कर रहे हो, आदिश भगवान का स्मरण करो। भगवान शिव का एक नाम है आदिश, जिसको आदेश भी कहा गया। और आदिश महादेव का स्मरण कर हाथ में रखकर उसको शिवालय में पहले अपनी भूमि पर खड़े हो, जगह में खड़े हो, दुकान में खड़े हो जिसको प्रारंभ कर रहे हो, मकान में खड़े हो जिसको प्रारंभ कर रहे हो, और हथेली में रखकर उसको शिवालय में ले जाकर समर्पित कर दो। जिस दुकान को तुमने चालू करा है वो दुकान जिंदगी में बंद नहीं हो सकती, वो आगे बढ़ेगी। आदिश महादेव का संबोधन ही वो है कि प्रारंभ कर दिया फिर उसका अंत नहीं, प्रारंभ ही। लोग उसको क्यों, जब यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर कोई विद्वत ब्राह्मण ने आपको बताया कि आपके घर में पितृ दोष है, कोई विद्वान ब्राह्मण ने बता दिया कि आपके घर में काल सर्प दोष है, कोई विद्वान ब्राह्मण ने बता दिया कि आपके यहाँ पर ये वास्तु दोष है और इस दोष को मिटाना जरूर, कोई ने आपको बताया, उसको समझे तो उस समय पर हमें घबराना नहीं। उसको जाने तो सही, उसको पहचाने तो समझे, हम समझ नहीं पाते। शंकर के एक एक भाव को हमें समझना है, एक एक भाव को, शिव के एक एक संबोधन को। जैसे आपको कथा में कहा था कि शंकर भगवान के चक्र का नाम क्या है, जम के बोलो, जम के बोलो, भवरेंदु, जम के बोलो एक बार, भवरेंदु। केवल वो एक आप एक बहुत लीवर किडनी डैमेज हो गया, तकलीफ में आ गए, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है और बड़ी बीमारी बता दी, कोई कैंसर जैसा रोग बता दिया, कोई ब्रेन में ट्यूमर बता दिया, कोई ऐसा रोग बता दिया, कोई वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, कोई मालूम पड़े पैर लेसेस हो गया। उस समय पर ये भवरेंदु बहुत काम की, भगवान शंकर का चक्कर चाहिए। 3 चीजें शंकर भगवान के पास में है, 3 चीज। एक पाशुपत अस्त्र, तो पाशुपत अस्त्र की जगह तो तुमको दे दिया पशुपति, जम के बोलो जरा, व्रत। एक शंकर भगवान के पास में है त्रिशूल, वो भी आपको हमने बीच में वर्णन कर दिया था कि भगवान हनुमान जी महाराज का प्रागट्य और उनके भाइयों का गतिमान रतिमान वृतिमान मतिमान उनका वर्णन किया था, उसमें त्रिशूल का वर्णन। और आज जो कथा चल रही है कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर से, उसमें आप शंकर भगवान के चक्र को समझ जाओ, भवरेंदु को समझ जाओ, वो भवरेंदु चक्र, उसका स्मरण। आपको लग रहा है डॉक्टर कह रहा है किडनी बेकार हो गई, लीवर बेकार हो गया, इसको ये परेशानी, इसका डायलिसिस चल रहा है, हफ्ते में 2 बार हो रहा है, आप भवरेंदु चक्र का स्मरण करिए। 1 लोटा जल लीजिए और उस रोगी व्यक्ति का स्पर्श कराइए और वो भवरेंदु चक्र का स्मरण कर भगवान शंकर के शिवालय पर चक्र की माफी समझिए। ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, यहां से
भगवान के आप गणेश जी और कार्तिकेय और अशोक सुंदरी से जल को चढ़ाना प्रारंभ करेंगे और उस चक्र के अनुसार उस जल को समर्पित करना प्रारंभ करेंगे और नाम लेंगे भवरेंदु चक्र का शंकर के, उस चक्र का जिस चक्र ने प्रथम निर्माण किया, भगवान शंकर ने सबसे पहला निर्माण उस चक्र का करा और जो जनता जो जनमानस के जो जीवों के कल्याण के लिए आज तक कार्य कर रहा है उसका स्मरण कर कर जल को चढ़ाते 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 आखिरी का जल भगवान शंकर के ऊपर समर्पित हो जाए, उसी जल को झेल कर बीमार व्यक्ति को दो आचमन दो चम्मच आधी चम्मच एक चम्मच दो बूंद भी अगर पिला रहे हो तो पांच दिन या सात दिन में अंतर नजर आएगा ही पक्का। भवरेंदु चक्र का इतना प्रमाण, भवरेंदु चक्र के उसमें आनंद था हमारे बीच में।